नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये सोनी का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है KDL-47W800A। इसमें 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं सोनी लिखा हुआ आता है, उसके बाद फिर ये थोड़ी देर तक वाइट इंडिकेटर में रहता है, उसके बाद 8 टाइम ब्लिंक में चले जाता है। बैकलाइट भी बंद हो जाती है सोनी लिखे हुए आने के बाद तुरंत बाद। सो यहाँ पे ये फॉल्ट की रिकवरी देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस टीवी को वापस सही करने के लिए। चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ काउंटिंग इसकी क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम ब्लिंक। सो 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट जब भी हो तो ये नैंड आईसी के डेटा का फेलियर हो सकता है, नैंड आईसी खराब हो सकती है, प्रोसेसर ड्राई सोल्ड हो सकती है, एक रेजिस्टेंस होता है 220 ओम्स का वो ओपन हो सकता है, ये सब कुछ हम देखेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 टाइम ब्लिंक सोनी में 47W800A मॉडल में जो आता है और 42W800A, ये सभी मॉडल्स में ये एक कॉमन बीमारी है 8 टाइम ब्लिंक की, और ये क्यों आती है उसके ऊपर है हमारा वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं आपको, कोलकाता में मेरी ट्रेनिंग है 20 फरवरी 2026 को, अगले साल 21-22 फरवरी को है। 3 दिन की सेमिनार है, 3 डेज। ये मेरी अहमदाबाद की वर्कशॉप भी है जो कि 5 दिन की है, जिसका टाइम है फर्स्ट इस साल 1 दिसंबर को है अहमदाबाद की 5 डेज वर्कशॉप। अगर जो आपको ये अटेंड करनी है या कोलकाता की ट्रेनिंग, अगर जो आप कोलकाता के आसपास रहते हैं तो इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके ट्रेनिंग की सीट बुक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे फॉल्ट पे। 8 टाइम ब्लिंक नॉर्मली हम नैंड आईसी के डेटा फेलियर की वजह से होता है, ठीक है, रैम खराब हो सकती है रैम्स, और दूसरा होता है प्रोसेसर के आसपास प्रोसेसर में ड्राई सोल्ड। प्रोसेसर को या तो आप रीफ्लो कर सकते हैं या निकाल के रीबॉल करके लगा सकते हैं, चेक करना है आपको। अगर जो इसमें ये प्रॉब्लम है प्रोसेसर की तो सही हो जाएगा, आपका 8 टाइम में से निकल जाएगा। उससे पहले आपको 220 ओम्स का रजिस्टर चेक कर लेना है जो कि प्रोसेसर के एग्जैक्टली नीचे होता है, हम आपको बता देते हैं कहां पर होगा वो रजिस्टर, वो भी चेक कर लेना है आपको। और ये सब कुछ कर लिया आपने चेक और फिर भी नहीं हुआ, नैंड आईसी आपने चेक कर ली और नैंड आईसी चेक करने के बावजूद 8 टाइम में ही रहा, तो फिर आपको क्या करना होगा, प्रोसेसर और नैंड आईसी किसी ओके बोर्ड से निकाल के जोड़ी में लगाना पड़ेगा। जो बोर्ड से आप प्रोसेसर निकाल रहे हैं उसी बोर्ड का डेटा चलेगा, ठीक है, तो आपका बोर्ड ओके हो जाएगा। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ क्या क्या चीजें कैसे चेक करना है, आपको बता देता हूँ। ये रेजिस्टेंस को आपको इस तरह से चेक करना है, ओके, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू शो होनी चाहिए 220 ओम्स, ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा रजिस्टर यहाँ पर है, इसकी भी वैल्यू आपको 220 ओम्स मिलनी चाहिए। ये दोनों रजिस्टर से ही एक्चुअली इसमें 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट आता है, अगर जो ये खराब है ओपन है तो, ठीक है। ये ग्राउंड की तरफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कंटिन्यूटी में रखा है तो ये ग्राउंड है और ये रजिस्टर 220 ओम्स का, ठीक है, एक तो ये देखना है आपको, और ये रजिस्टर भी ग्राउंड होगा 220 ओम्स का आईसी की पिन में से। अगर जो आईसी ड्राई है तो फिर आपकी ये आईसी ड्राई सोल्डर से प्रॉब्लम है, अगर जो आईसी ड्राई नहीं है अपने प्रोसेसर को रीबॉल करके देख लिया है तो आपको ये वाला पॉइंट चेक करना है, इसके 220 ओम्स दिखने चाहिए। मैं अभी आपको मीटर में बता देता हूँ, अभी मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देता हूँ दोनों ही रजिस्टर की वैल्यू। एक तो ये है जो ग्राउंड रजिस्टर है, मतलब प्रोसेसर की पिन से ग्राउंड हो रहा है 220 ओम्स का, ये एक है जो हमने आपको क्लोजअप से दिखाया था, और दूसरा ग्राउंड रजिस्टर है ये वाला जो कि 220 ओम्स का है। ये दोनों चेक कर लेने के बाद अगर जो फिर भी नहीं होता आपका प्रॉब्लम सॉल्व तो फिर इसमें प्रोसेसर आपको बदलनी पड़ सकती है। लेकिन आपने ड्राई सोल्ड करके देख लिया और रेजिस्टेंस चेक कर लिया, फिर भी अगर जो ये प्रॉब्लम रहती है और आपको इसे ठीक करना है बोर्ड को, तो एक ही रास्ता बचता है, प्रोसेसर आपको बदलेंगे। जब जो बोर्ड से बदलोगे, जो बोर्ड की प्रोसेसर आप डाल रहे हैं उसी बोर्ड का नैंड डेटा चलेगा, कोई और नहीं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कोई भी स्क्रैप बोर्ड बिल्कुल टूटा फूटा हो चलेगा, लेकिन आपको प्रोसेसर
और साथ में नैंड आईसी का डेटा अगर जो इसमें डाल दोगे तो भी चलेगा, या तो नैंड आईसी सीधी उठा के डालोगे तो भी चल जाएगा। प्रोसेसर और नैंड आईसी दूसरे बोर्ड से किस तरह से लगाएंगे उस पर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, आप आई बटन प्रेस करके उसे देख सकते हैं। प्रोसेसर को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अभी हम इसकी रिबॉलिंग करेंगे और चेक करेंगे हमारे 8 टाइम ब्लिंक का फॉल्ट सही हुआ है कि नहीं। हमने 220 ओम्स का रजिस्टर चेक कर लिया था, उसके बाद ही हम ये काम कर रहे हैं, तो पहले आपको वही करना है। प्रोसेसर को स्टेंसिल में अच्छे से बिठा दिया है, अभी हम सोल्डर पेस्ट लगा के हीट करके इस पर बॉल्स बनाएंगे। दोस्तों इस बार कोलकाता की ट्रेनिंग में काफ़ी कुछ है, इस बार मैं अगर जो शब्दों में बताऊं तो बयान करना मुश्किल होगा, फिर भी मैं बता दूं आपको रीबॉलिंग का पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में, जो कि 20 फरवरी 2026 को है। 3 दिन की ये सेमिनार रहेगी, एडवांस बुकिंग चालू है इसकी। इस प्रोसेस में हम जो शोल्डर पेस्ट लगाते हैं उसे अब एक्सेस पेस्ट को साफ कर रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। यहाँ पर टिश्यू पेपर का यूज़ करके हम ये काम कर रहे हैं। आपका मन करता है कि रीबॉलिंग आप खुद करें तो कोलकाता की ट्रेनिंग से बेटर आपको ऑप्शन नहीं मिल सकता, और ऊपर से हमने अहमदाबाद में भी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है जो कि 1 दिसंबर इस साल है। इस साल की 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक मैंने ट्रेनिंग रखी है जो कि 5 दिन की वर्कशॉप ट्रेनिंग रहेगी, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। पूरी ट्रेनिंग लेने के लिए आप अहमदाबाद का वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं या कोलकाता की 3 दिन की सेमिनार ले सकते हैं जो कि 20, 21, 22 फरवरी को है 2026 को। सो रिबॉलिंग आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। इस लेवल की आपको अगर जो रिबॉलिंग सीखनी है तो आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में ज़रूर आना चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम राउंड राउंड बॉल एकदम ज़बरदस्त बने हैं। प्रोसेसर को लगाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये सब कुछ मैं कोलकाता की ट्रेनिंग में और अहमदाबाद की ट्रेनिंग में बताऊँगा, सो आप देखते रहिए ये वीडियो। प्रोसेसर का डॉट के हिसाब से हम मार्किंग कैसे देखेंगे, बोर्ड पे मार्किंग कहाँ है, वो सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में मिलेगा। मशीन ऑपरेट करना तक हम सिखाएंगे आप कोलकाता की ट्रेनिंग में। आप देख सकते हैं अभी हम प्रोसेसर को चिपका देंगे मदरबोर्ड पे जो जस्ट हमने रिवॉल्व किया थी। मशीन की प्रोफाइल सेटिंग कैसी होगी, प्रोसेसर के हिसाब से ये प्रोफाइल सेटिंग चेंज होती है, तो सेटिंग में हम प्रोफाइल को कैसे सेट करेंगे कि हमारी प्रोसेसर के जो बॉल्स हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, वो सब कुछ आपको कोलकाता की ट्रेनिंग में प्रोफाइल डिज़ाइन करना सिखाएंगे हम, प्रोफाइल सेट करना सिखाएंगे। आप देख सकते हैं अभी प्रोसेसर अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं, इसके बॉल्स अभी सूखने के बाद ये चिपक जाएंगे बोर्ड के ट्रैक के साथ। इतना करने पर भी अगर जो ये 8 टाइम में ही रहता है तो इसमें सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है, हम प्रोसेसर और नैंड आईसी दोनों को दूसरे ओके बोर्ड में से निकाल कर इसमें लगाएं तो ये बोर्ड ठीक हो सकता है, वरना हमें यूनिवर्सल बोर्ड फिट करना पड़ेगा। यूनिवर्सल बोर्ड इस टीवी में किस तरह से फिट करेंगे इसके लिए आपको ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करके वो वीडियो देख लेना है कि यूनिवर्सल बोर्ड इस टीवी में किस तरह से हम फिट करेंगे। इस साल 1 दिसंबर को है अहमदाबाद की 5 डेज वर्कशॉप, अगर जो आपको ये अटेंड करनी है या कोलकाता की ट्रेनिंग, अगर जो आप कोलकाता के आसपास रहते हैं तो इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके ट्रेनिंग की सीट बुक कर सकते हैं।